Clash of Clans. Play now. Hey Clashers, कैसे हैं आप लोग? हूँ सब तो बहुत ही शानदार होंगे यार। क्लैश ऑफ क्लैन में बहुत सारे ना ऐसे ऐसे मोमेंट होते हैं ना जो अपनी लाइफ टाइम याद होती है यार। सबसे पहला मोमेंट जब हम लोग क्लैश ऑफ क्लैन खेलना स्टार्ट किए थे, किस परेशानी में स्टार्ट किए थे यार, क्या क्या मोमेंट था उस समय का, मतलब वो ना दिलचस्प मोमेंट में से एक होता है। अभी हम लोग को यहाँ पे एक एपिसोड देखने को मिल रहा है क्लैश ऑफ क्लैन इंडिया के पेजेस पे, तन्मय क्लैश करेगा, यानी यहाँ पे तन्मय भाई यहाँ पे अपना क्लैश ऑफ क्लैन का पहला एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे ही एक्सपीरियंस गाइज आप लोग का भी होगा, मेरा खुद का भी है। तो आज के स्टोरी टाइम में ना गाइज हम लोग बातें करेंगे ऐसे ही कुछ मज़ेदार स्टोरीज की, जो कि मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोग जब क्लैश ऑफ क्लैन स्टार्ट किए थे उस समय का सिचुएशन क्या था। होता है ना सिचुएशन यार, खुद का फ़ोन नहीं है लेकिन दूसरे के फ़ोन से लेके क्लैश ऑफ क्लैन खेलना है, या फिर कुछ ऐसा वैसा सिचुएशन यार एग्ज़ाम चल रहा है बट एग्ज़ाम के एक रात पहले हम लोग क्लैश ऑफ क्लैन में वोट में अटैक कर रहे हैं, ये वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है यार। तो फिलहाल कैसे कैसे सिचुएशन आप लोग के साथ हुए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जब आप क्लैश ऑफ क्लैन स्टार्ट किए थे तो उस समय तो आपको डेफिनेटली कुछ नहीं पता होगा, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था। बट मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ क्लैशर्स, यस क्लैशर्स, यहाँ पे मैं अपनी एक्सपीरियंस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे क्लैश ऑफ क्लैन इंडिया स्पॉन्सर कर रही है 3 गोल्ड पासेस आप लोगों के लिए। तो आप लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये गोल्ड पासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग को पार्टिसिपेट कैसे करना है ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस बार 3x चांसेस इंक्रीज हो चुके हैं आपके गोल्ड पासेस को विन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज़ें बता दूँ कि आप लोगों को जैसे ऑन द स्क्रीन आप लोगों को ये तीनों जो टैग्स दिख रहे हैं ना गाइस, बस एग्जैक्ट यही टैग सेम टू सेम कॉपी करना है आप लोगों को, यानी यही टैग्स को लिखना है क्लैश ऑफ क्लैन के इंडिया वाले उस वीडियो में, तन्मय क्लैश करेगा वाले वीडियो में, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का, तो उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो में जाओ और इन तीनों टैग्स के साथ अपना क्लैश ऑफ क्लैन का एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करना है, ठीक है। जब आप लोग क्लैश ऑफ क्लैन स्टार्ट किए थे खेलना उस समय का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, या वगैरह वगैरह कुछ भी एक्सपीरियंस आप लोग को क्लैश ऑफ क्लैन से रिलेटेड शेयर करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग को हम लोग का चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना है यार। बेल आइकन प्रेस करते हो तो ही मुझे नोटिफिकेशन आता है कि हाँ ये भाई साहब हम लोग के फैमिली में जुड़ चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लो सब्सक्राइब करके, ताकि मुझे पता चल सके जो मैं विनर अनाउंस करूँगा तो मैं इस जगह तो चेक जरूर करूँगा कि आप हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हो कि नहीं। सो बी श्योर आरएस क्लैश फैमिली, ये गोल्ड पासेस आप लोग के लिए ही है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊंगा कि गाइस के हम लोग ना कैसे मूवमेंट पे क्लैश ऑफ क्लैन स्टार्ट किए थे, बट उसके पहले क्लैशर्स एक छोटा सा लाइन अर्ज किया है आप लोगों के सामने। जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करवाता था, जब मैं बड़ा हो गया तो बड़ी शरारत करवाता हूँ, जब मैं छोटा बच्चा था तो सुपर गर्ल पे मरता था, जब मैं बड़ा हो गया तो विलेजर पे मैं मरता हूँ, जब मैं छोटा बच्चा था तो टेंपल रन खेलता था, जब मैं बड़ा हो गया तो क्लैश ऑफ क्लैन खेलता हूँ। यार क्लैश ऑफ यार ऐसे ऐसे मूवमेंट ना आप लोग के ज़िंदगी में बहुत सारे होंगे क्लैश ऑफ क्लैन से रिलेटेड। तो यार मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा 2014 और 15 की बात है, जहाँ पे हम लोग यानी मैं क्लैश ऑफ क्लैन खेलना स्टार्ट किया था। तो उस समय मुझे कुछ नहीं पता था, एक ऐसा मूवमेंट जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा, उस समय मुझे कोई बंदा क्लैश ऑफ क्लैन में ना वॉर में ले लिया था। डार्क लिग्जे का बहुत ही यूज डिमांड था यार, एक से दो डार्क लिग्जे भी कोई बर्बाद नहीं करना चाहता था। तो उस समय ऐसा सिचुएशन था कि एक बंदा हम लोग के क्लैन का कि पूरा का पूरा वॉर सिस्टम में ना विचेस उसे फुल किया था, 2500 उसका कुछ डार्क लिग्जे लग गया था पूरा का पूरा विचेस फिल करने में सीसी में। तो उन्होंने पूरा मेल वेल किया, पूरा सब जगह बोला कि यार 2500 डार्क लिग्जर हम लोग स्पेंड किए हैं इस बार सीसी को फिल करने में, कोई भी गंदा अटैक नहीं करेगा, इस बार विन करना ही करना है, एकदम पूरा जोश में था बंदा। मेरे को क्या पता वॉर क्या होता है, मुझे यहाँ पे ना दो अटैक्स ऊपर में दिख रहे थे, दो का लिखा हुआ था, तो मुझे लगा कि जैसे होता ना मल्टीप्लेयर में सबसे पहले अटैक्स किया हो गया, तो भाई मैंने देखा लेकिन मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं था ना कि ये यार दो ही अटैक मिलते हैं। तो मैं गया वहाँ पे एक बारबेरियन ड्रॉप किया, फिर सोचा नहीं मर जाएगा छोड़ देते, कैंसिल कर दिया मैंने। फिर मैंने आराम से उस जगह कैंसिल बटन पे क्लिक कर दिया कि यार चलो मेरे से नहीं होगा ये, मैं दूसरे बेसिस पे ट्राई करता हूँ। जैसे ही ऐसे हुआ ना धड़ाधड़ मैसेज आने लगा क्लैन चैट में। तो फिर मैं सोचा मुझे क्या पता ये सबसे,
मैं अपना अटैक करता हूँ। मुझे तो इतना भी नहीं मालूम था कि क्लैन होता क्या है, क्लैन वॉर्स होते क्या है। बस मुझे एक अच्छा बेस दिखा था तो मैं अटैक्स करने के लिए कूद गया था यार। अब मेरे को क्या पता था कि ऐसा कुछ सिचुएशन होगा। एंड एट द एंड होता क्या है ना गाइस, कि मैं अपना दोनों अटैक ऐसी तरह से बर्बाद कर देता हूँ। ठीक है, वो काफ़ी बात करते, मुझे नहीं पता क्या बात कर रहे थे गाइस। अब आपको ही पता होगा ऐसे सिचुएशन में कोई क्लाइमेट्स क्या बात करता होगा। तो फिलहाल वो तो मोमेंट मुझे नहीं पता है क्या बात करते, क्योंकि उनका मैं चैट नहीं देख रहा था। जो काउंट होते हैं ना नंबर, वो देख रहा था काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं इग्नोर किया। और उसके बाद ना यहाँ पे जैसे ही वोर हार गए ना, तो यहाँ पे ना मुझे मतलब ये देखना चाहता था कि ये हो क्या रहा है। तो जैसे ही क्लैन चैट ओपन किया ना मैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा था कि इस वॉर में मैंने 2500 डार्क लिक्जर स्पेंड किया था, मेरे को 2 से 3 दिन लग जाते हैं इतने डार्क लिक्जर को लूटने में, और तुम लोगों ने क्या किया यार, हरवा दिया। अब जो जो खराब अटैक किया मैं सबको केक आउट करूँगा, मैं फिर भी मस्त यार, जो करना है करो, मेरे को क्या पता ये होता क्या है किक करना। तो फिर ना 2 मिनट बाद मुझे एक अच्छा सा पॉपअप मेल आता है कि यू हैव बीन किक्ड आउट बाय द क्लैन बाय दिस 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 मेंबर। तो भाई एक ही मेंबर था जो भी है, एग्जांपल में बता रहा था। तो फिर मुझे एक एहसास हुआ यार कि यहाँ पे ना अभी मुझे अटैक कर रहा था, तो फिर वो अटैक का बटन ही गायब हो गया। तो मुझे थोड़ा थोड़ा लगा कि यार ये कैसे हो गया, कौन सी ग्लिच व्लिच आ गया क्या क्लैश ऑफ क्लैन में। तो ना मैं अपने भैया के पास गया कि भैया यार देखो ना कुछ तो हो गया यहाँ पे क्लैश ऑफ क्लैन में, यहाँ पे मैं अभी अटैक कर रहा था यार गायब सा हो गया। तो भैया ने बोला यार तुमने क्या किया है, तुमको किक कर दिया है क्लैन से। और एक्चुअली लिटरली बताऊं यार, वो मेरे भैया का ही अकाउंट था, मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट नहीं था। उस इंसिडेंट के बाद मैं अपना नया खुद का अकाउंट बनाया था क्लैश ऑफ क्लैन में। काफ़ी दिलचस्प लगा था यार ये बंदा ने मुझे किक किया यार, जो एलिक्सियर और डार्क एलिक्सियर और साथ में गोल्ड जो लूटना होता है ना, वो बड़ा प्यारा लगता था। जैसे उसका साउंड आता था ना पॉपअप करके, वो बड़ा मस्त लगता था यार मुझे। तो ना धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ना मुझे इतना ज़्यादा पसंद आने लग गया ना, कि मैं दिन से रात यार टैब में क्लैश ऑफ क्लैन खेलता रहता था। ओनली क्लैश ऑफ क्लैन, कोई और गेम तो मैं पूछता भी नहीं था यार उस समय। उसके बाद खाली क्लैश ऑफ क्लैन ही क्लैश ऑफ क्लैन। टाउन हॉल 8 तक का मैंने अकाउंट बना रखा था। फिर मतलब मुझे ये चीज़ उस समय भी नहीं पता था कि आपको गूगल प्ले से साइन इन करके रखना पड़ता है। बट फिर वो टैब ख़राब हो गया और वो मेरा अकाउंट भी चला गया, इसको मैं रिकवर भी नहीं कर पाया। तो अब ऐसा सिचुएशन होता है। फिर मैं ये वाला जो अभी नया अकाउंट है ना, वो मैं नया बनाया था उसके बाद, और फिर पता चला था कि अच्छा ऐसे सेव भी करना होता है वरना चूना लग जाएगा। तो बड़ा थोड़ा अफसोस लग रहा था यार, इतना मेहनत करने वाला अकाउंट मेरा चला गया। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं सीख काफ़ी गया था कि कैसे खेलना होता है, क्या क्या मिलता है। ठीक है, और ना मैं जो मैक्स आउट बेसिस होते थे ना क्लैन में, उनके बेसिस को खोल कर कैसे करके देखते रहता था कि कब मेरा ऐसा बेस होगा यार, कितना मैक्स है, पिंच कर करके देखता था उसको कि क्या क्या हो रहा है यार, कोना में एकदम जूम कर करके देखता था। बड़ा इंटरेस्ट आता था ये सब करने में। तो यार लिटरली ऐसा कुछ मूवमेंट था मेरा क्लैश ऑफ क्लैन के स्टार्टिंग करियर का, यानी इसका मतलब जब मैं क्लैश ऑफ क्लैन एकदम जस्ट न्यू खेल रहा था। और साथ में एक बेस्ट मूवमेंट ये रहा था, जो इतना एडिक्ट हो गया था क्लैश ऑफ क्लैन से, जब मैं 10th का बोर्ड चल रहा था ना, उस समय भी मतलब 2 घंटे बाद मैं कैंपस में चला गया हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, और 2 घंटे बाकी है, मतलब 2 घंटे पहले ही चला गया था अपने फ्रेंड लोग के साथ घूमते फिरते। ठीक है, तो उस समय मैं पेड़ के नीचे बैठ के आराम से क्लैश ऑफ क्लैन खेला, वो लोग कॉपी लेके रट्टा मार रहे, ये आएगा भाई, ये पढ़ा है वो पढ़ा है, और मैं क्लैश ऑफ क्लैन खेल रहा हूँ। एक बंदा आता है, मेरा दोस्त ही आता है, पीछे से बोलता है भाई क्या खेल रहा है यार। मैं बोला क्लैश ऑफ क्लैन खेल रहा हूँ, देख रहा कितना इंटरेस्टिंग गेम है। बस भाई उस दिन से वो भी खेलना चालू कर दिया उस गेम को। फिर अपने के बहुत जमी, हम लोग साथ में क्लैन बनाए और भी काफ़ी आगे तक बढ़े, और अभी भी वो बंदा खेलता है साथ में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये मेरा सफ़र क्लैश ऑफ क्लैन का। कुछ और भी मोमेंट्स है जो कि मैं आपको बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, सो अभी इतना ही रखते हैं। तो क्लैशर्स, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोगों का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या है क्लैश ऑफ क्लैन में, आप लोग कैसे स्टार्ट किए हो क्लैश ऑफ क्लैन खेलना, और किससे इंस्पायर्ड हुए, या फिर जो भी बेस्ट मोमेंट है मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करो। और गिव में पार्टिसिपेट करने के लिए ये 3 हैशटैग के साथ आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो पे जाके आप लोगों को कमेंट करना है। हम लोग बी श्योर कमेंट उस वीडियो पे जो कि तन्मय क्लैश करेगा वाला जो वीडियो है क्लैश ऑफ क्लैन इंडिया चैनल पे, इन 3 हैशटैग के साथ जो जो कमेंट करेगा उनमें से ही पिक करेंगे, और साथ में ये ज़रूर देखेंगे कि हम लोग के चैनल कौन कौन सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है, सो विनर्स हम लोग जल्दी विद इन अ 1 वीक पिक करने वाले हैं, आपके पास बहुत कम टाइम है, तो जाओ जल्दी से आप लोग गेम में पार्टिसिपेट कर लो, और स्टे ट्यून्ड क्लैशर्स, हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय,
हैव अ गुड डे, क्लैश ऑन।